जहाँ से हम लोग हैं, मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ आने में बहुत काफी लोग बदनामी भी किए। पूर्व दिशा सह चल लई बेटी के बाबू, पूर्व दिशा सह चल लई बेटी के बाबू, नुहरा से लागले चढ़ावे जी ए जी, दुल्हा के लागले चढ़ावे जी। ई छौरी खातिर कोढ़िया मारै छी हमरा, आ डसल तो साफ तोरा अधसार ढोढ़िया, नहीं भगबौ नहीं भगे देबौ रे। हाँ, मुझे जॉब करना म्यूजिक से। वाह, देख सकते हैं। कौन सा मतलब क्लास तक आप पढ़े हैं? भास्कर किए हैं म्यूजिक से, एमएड है म्यूजिक से और जनरल से मेरा बीएफ। वाह दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देखना शुरू कर दिए हैं अमित ए फॉर यू। दोस्तों, आज हम मिलाने वाले हैं एक ऐसे जाने माने चेहरा से जिनके बारे में शायद आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो इनका गाना आप जरूर सुने होंगे। दोस्तों बता दूं कि मैथिली इंडस्ट्री के वह गायिका है जिनका गाना करोड़ों में व्यूज है, तो इनसे फाइनली मिलाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्ते आपका। नमस्ते, सबसे पहले आपका स्वागत है अमित ए फॉर यू के नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगी जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दे तो काफी अच्छा रहेगा। मैं शोभा भारती हूँ और मेरा घर घेलार प्रखंड हुआ, जैसे कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। अभी आप रियल म्यूजिक स्टूडियो में हैं? जी, रियल म्यूजिक स्टूडियो काफी लगभग 2012 से ही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, 2012 से इतना ज्यादा स्ट्रगल किए, मेहनत किए हैं कि इनका चेहरा हर कोई जानता है, और इनका गाना का व्यूज की बात करूं तो करोड़ों में व्यूज होता है, तो काफी गर्व की बात है। शोभा भारती जी, सबसे पहले ऑडियंस को कौन सा गाना सुनाना पसंद करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मेहनत तो मैं काफी कर ही रही हूँ, लेकिन हमसे ज्यादा मेहनत रविंद्र सर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का गाना, वही सब कुछ हम लोग को करते हैं, देते हैं, रहते भी हैं, सब कुछ बताते भी, यानी कि सब कुछ वही। यानी कि आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाने वाले कोई है तो रविंदर सर है, जो कि स्टूडियो के प्रोपराइटर ओनर सर है। जी जी जी। तो फर्स्टली चाहूंगा कि एक गाना हो जाए अपने ऑडियंस को तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, मेरा गाना एक डीजल ढर का है, मतलब गाना बहुत अच्छा है, उसका तर्ज है, ई छौरी खातिर कोढ़िया मारै छी हमरा, आ डसल तो साफ तोरा अधसार ढोढ़िया, नहीं भगबौ नहीं भगे देबौ रे। डीजली ढरके हे डीजली ढरके देह में आगी लगैबो, ई छौरी खातिर बीस वर्ष जैली खटैबो। वाह, मतलब इस गाने का जो भाव है क्या है, थोड़ा वो भी अपने आवाज में दे देंगे, ऑडियंस को तो काफी पसंद करेंगे, क्योंकि ये गाना जब इतना अच्छा है तो इसका भाव भी काफी अच्छा होगा। मतलब उनका पति जो है जी, थोड़ा दूसरा लड़की से चक्कर चलता जी, है जी। तो कोई भी लड़की वो तो नहीं तो देख सकते के माध्यम से उनको, हाँ, जताते मतलब हैं। हाँ, वो चीज दिखाए कि समाज में जो चल रहा है जी, जी। समाज में जो हो रहा है वही चीज हम लोग दर्शाते हैं जी। हाँ, इसमें ज्यादातर तो शोभा भारती जी, आपका बहुत सारा गाना यूट्यूब पे है जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आप एक गाना सुनाए चाहेंगे कि एक और गाना हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा? एक सबसे पहले मेरा मिलियन में गया था जी, हे रे कोरी फुटा अब नहीं बह बन के रह बौरे, हे रे जोनी पिटा अब नहीं बह बन के रह बौरे, ई छोरे के घर घुसे भी कोनो बात न सह बौरे, ई छोरे के घर घुसे भी कोनो बात न सह बौरे, हे रे जोनी पिटा अपने बह बन के रह बहरे। वाह, काफी अच्छा। शोभा भारती जी, आप इतना रियल म्यूजिक के साथ जुड़े हैं कि रियल आपका आवाज भी आज ऑडियंस सुन रहा है, क्योंकि आपका आवाज जो रियल है आज फाइनली सुन ही रहा है, क्योंकि हमारे माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत सारा गाना यूट्यूब पे है जो कि स्टूडियो से है, आज आपका रियल आवाज भी सुन रहा है। तो आइए हम पॉइंट पे चलते हैं, जो पॉइंट पे हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा जरूरत चीज है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका घर घेलार के मधेपुरा जिला में है और आप इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में कैसे आए, थोड़ा इसके बारे में स्टार्टिंग से बताएंगे अपनी स्टोरी को तो काफी अच्छा रहेगा। मैं पहले मतलब छोटा छोटा सत्संग भजन में गाते थे, हाँ, गांव में गाते थे। उस समय आपका क्या उम्र था जब गांव में मतलब सत्संग सुन रहे थे? लगभग यानी कि 9th में पढ़ते थे उस समय, यानी कि 14-15 साल की। हाँ,
तो फिर सर गए थे और सर से हम लोग का मुलाकात हुआ और सर बोले कि नहीं हम लोग को कुछ आगे करना चाहिए। तो फिर हम लोग मेहनत किए उस चीज़ पे, प्रोग्राम सब किए, प्रोग्राम के वक्त फिर स्टूडियो सर बैठाए और उसमें हम लोग मेहनत किए। यानी कि आपका तो मेहनत एकदम पूरा शॉर्टली है कि डायरेक्टली आप मतलब स्टार्टिंग हुआ मन में करने का और सर से मुलाकात हुआ कर लिए, लेकिन इस लाइन में आने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा इनके बारे में बता देंगे तो काफ़ी अच्छा। एक लड़की को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, थोड़ा बताएंगे उनके बारे में। सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ से हम लोग हैं, मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ आने में बहुत काफी लोग बदनामी भी किए कि ये है वो है, घर वाले काफी ताने भी देते हैं, मम्मी पापा। मम्मी पापा तो बहुत साथ दिए आपके घर जी, आपके फैमिली में पूरा सपोर्ट। हाँ, फैमिली के बदलों से आज मैं यहाँ हूँ, फैमिली तो बहुत साथ दिए, लेकिन बगल उगल वाला से यही कि क्या करती है बेटी को इतना नहीं संग, म्यूजिक लाइन तो आप जानबे करते हैं। आप क्या बोलते हैं जैसे फाइनली, पहले तो इस तरह से डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरी बेटी को ले जाइए साथ में, मेरी बेटी भी सीखेगी। तो बहुत सारे आपके फैंस फॉलोवर होंगे और आपके साथ में फोटो भी खिंचाने आते बहुत बहुत, तो कैसा महसूस होता होगा गाँव के लोग? अंकल सब मतलब गलत भावना से देखते थे, आज वही अंकल बोलते कि शोभा को बुलाओ, शोभा से तनी बात करेंगे जी। तो वो तनी मेहनत की, यानी कि आपने इतना ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल किए कि सबका नजरिया ही बदल दिए। रिसेंटली आपका कौन सा सॉन्ग आने वाला है? उसमें मेरा सॉन्ग थे और सर भी गाते थे उसमें, भाई बाप के दुख कनी बूझ गई बेटी, भाई बाप के दुख कनी बूझ गई बेटी, देबो सोना कैसे करिया लाबा भूज गई बेटी, हाँ देबो सोना कैसे करिया लाबा भूज गई बेटी। वाह, काफी अच्छा। शोभा भारती जी, आपने इस तरह का गाना गाए हैं कि जो मेरे को दिल पे भा गए हैं। ये जो हमारा मैथिली इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में ज्यादातर अश्लील गाना लोग गाते हैं, लेकिन शोभा भारती जी एक ऐसे आर्टिस्ट है जो कि शादी ब्याह वाला गाना गाते हैं जो कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है, और शादी ब्याह वाला गाना आपको बहुत कम मिलेगा। यदि सबसे बड़ी बात है कि रियल स्टूडियो में, मतलब नाम भी रियल है और काम भी रियल है। ऐसे हम आपको बता दूं कि मैं शादी ब्याह वाला प्रोजेक्ट वाला मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं, तो उसमें बहुत कम लावा भूजने वाला गाना है, एक दो मात्र गाना है, और फाइनली आज एक गाना बढ़ गया लावा भुजाई में, तो काफी अच्छा। आपका दिल से शुक्रिया आपका। जी जी, तो बहुत सारा गाना मैं चाहूंगा कि आप शादी के ऊपर, जो पारंपरिक शादी होता है हमारे कल्चर में, उस पे गाना गाए तो काफी अच्छा रहेगा, ये हम भी सपोर्ट करते हैं। जैसे शारदा सिन्हा सबका जो गाना जी, सब होता है उनका गाना, अभी शारदा सिन्हा कहाँ है नहीं है, लेकिन उनका गाना अभी भी इतना ज्यादा गूंजता है कि उसका वर्णन काफी ज्यादा लोग उसका डिमांड करते हैं। जैसे पूरे दिशा सह चल लई बेटी के बाबू, पूरे दिशा सह चल लई बेटी के बाबू, नुहरा से लागले चढ़ाबे जी ए जी, दुल्हा के लागले चढ़ाबे जी। वाह, काफी अच्छा। शोभा भारती जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे जाते जाते, आप इस लाइन में काफी दिनों से हैं और इस लाइन को लेकर आपका क्या मतलब आगे सोच है, ड्रीम है, इस लाइन में रहते हैं और आपका कुछ सपना होगा ना, इस लाइन में है और आगे क्या करना है? जी, सपना तो बहुत है लेकिन अभी पर्याप्त। अभी जैसे आप स्टेज शो प्रोग्राम ज्यादातर करते हैं और इससे आगे कुछ आपका ड्रीम हो? हाँ, मुझे जॉब करना म्यूजिक से। वाह, देख सकते हैं। कौन सा मतलब क्लास तक आप पढ़े हैं? भास्कर किए हैं म्यूजिक से। जी, काफी अच्छा। एमएड है म्यूजिक से और जनरल से मेरा बीएफ। वाह, मैं भगवान से कामना करते हैं कि जल्द आपको जॉब मिले, और आप ही के तरह एक बगल में ही नेहा यादव जी थे, उनका भी हम इंटरव्यू किए थे, अभी वो प्रिंसिपल है गायिका में, इंटरव्यू के बाद उनको जॉब लगा है। जी जी जी, तो काफी अच्छा लगता है ये सब सुनने के बाद, और चाहूंगा जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल अमित एफ के बारे में बोल देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि अमित ए फॉर यू चैनल है जी, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल घंटी को दबाइए और काफी से काफी शेयर कीजिए, ताकि भैया भी, जो भैया का सपना है वो भी पूरा होंगे, और जो हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग के माध्यम से हम लोग भी ऊपर जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। शोभा भारती जी, आप अपना कीमती समय दिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, हमारे वीडियो के लिए, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ चाहूंगा कैमरामैन सहयोगी हमारे प्यारे से फारूक दीवाना जी के साथ दीजिए इजाजत रियल म्यूजिक में। नमस्कार।